हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो मैं आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग क्या है, सीबीएसई क्लास 10 साइंस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये उस वाल गुरुकुल की बुक से मैंने लिए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उस वाल गुरुकुल की बुक परचेस नहीं की है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। और साथ के साथ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, एसर्शन के क्वेश्चन, यानी कि सारे जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ठीक है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें कि हमारी एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है हमारी? मेनली जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी हीट की फॉर्म में होती है। वैसे तो हीट, लाइट और भी फॉर्म्स में एनर्जी रिलीज हो सकती है, बट मेनली जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आप समझते हैं ऑप्शंस को। बर्निंग ऑफ कोल, ये आपका कैसा रिएक्शन होता है? ये आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये आपकी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। इसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट, ये भी आपका कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता होगा जो कंपोस्ट होता है ये वेजिटेबल मैटर से बन सकता है। वेजिटेबल के जो वेस्ट मैटर होते हैं उससे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने खेत वगैरह में। अगला है आपका रेस्पिरेशन, ये भी क्या होता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उनको यूज करते हैं और अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एनर्जी बनाता है, ये भी हमें क्लियर है। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन है ना आपकी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, जब हमें क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ये आपकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं। ठीक है, देख लो रिएक्शन, देख लो इसकी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें हम लोग हीट देंगे, हीट को हम लोग इस डेल्टा साइन से भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हीट भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यही क्विक लाइम होता है। ये क्या होता है? क्विक लाइम। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है? इसमें हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसमें ए बी सी ऑप्शन जो है वो एक्सोथर्मिक को डिनोट कर रहे हैं, और जो आपके डी ऑप्शन है वो एंडोथर्मिक को कर रहा है, बट तीनों ऑप्शन पे हम एक साथ टिक नहीं लगा सकते, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक की जगह मिस प्रिंटिंग हुई है। यहाँ पे एंडोथर्मिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब एंडोथर्मिक होगा तो आप लोग किस ऑप्शन पे टिक लगा लोगे? डी ऑप्शन पे, जिसका एक्सप्लेनेशन है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ द कैंडल इज, जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जब हम कैंडल को जलाते हैं तो दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ये। जब हम लोग कैंडल को जलाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सॉलिड से किसमें? लिक्विड में। तो हम लोग कह सकते हैं कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है हमारा? फिजिकल चेंज है। चलिए देखते हैं कैसे केमिकल चेंज है। जो कैंडल होता है वो बना होता है पैराफिन वैक्स का, पैराफिन वैक्स का। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे। इसका फॉर्मूला होता है C25H52। ठीक है, जब हम इसको जलाएंगे, किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं हम लोग? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं किसी भी चीज को। जब हम इसको जलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CO2, हीट और लाइट। तो गैस का निकलना क्या होता है हमारा? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है C25H52 पैराफिन वैक्स, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो हम लोग कहते हैं कि वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो हम लोग कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रहा है जिंक प्लस HCl, इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को, तो जिंक क्लोराइड बनता है और क्या बनेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्या बनेगी हाइड्रोजन। कैसे बनेगी, देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, हाइड्रोजन से, तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से और हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, जहां पे जिंक था वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे जिंक आ जाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, जो जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा सकते हैं और जो नीचे है हाइड्रोजन से उनको हाइड्रोजन उनकी जगह से हटा सकता है किसी भी कंपाउंड में। अच्छा, ये H2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो भी गैसेस होती हैं वो ज्यादातर डायएटॉमिक होती है, तो हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, जब अकेले लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे H2, क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे Cl2, इसी तरह से ऑक्सीजन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं O नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं O2 जब अकेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। चलो कंडीशन आपको देखो क्या दे रखी है, जब आप लोग क्या करेंगे सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे कुछ लंबे समय के लिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है आपका सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है, अब देखते कैसे ये ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इसने बोला है जो सिल्वर क्लोराइड है उसको जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा Ag प्लस Cl2 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लोरीन गैस में। इस रिएक्शन को हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं। एक्चुअल में आपके डीकम्पोजिशन तीन तरह के होते हैं, फोटोलिसिस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, थर्मोलिसिस जो कि हीट की प्रेजेंस में होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन विच डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब टूटना, अभी अभी मैंने आपको बताया था, आफ्टर द सप्लाई ऑफ हीट, जो हम सप्लाई करते हैं हीट को वो टूट जाता है, उस रिएक्शन में जो हमारा कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग हीट देते हैं, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। डीकम्पोजिशन तीन तरह की होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो जो हीट वाली डीकम्पोजिशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, किस किस के बीच में हो रही है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको दो कंपाउंड चाहिए होते हैं, ठीक है, पहला कंपाउंड है आपका सोडियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। तो जब ये दोनों रिएक्ट होंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए रिएक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मैं एक्सप्लेनेशन से ही आपको इसको समझा देता हूं। चलिए रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं, दो कंपाउंड हमें दिए थे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड और पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो सोडियम होगा ये बेरियम की जगह ले लेगा और जो बेरियम होगा वो सोडियम की जगह चला जाएगा, तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों एक दूसरे की पोजिशन को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, अब बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जो एरो होता है ये प्रेसिपिटेट को शो करता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस बनेगा तो ये एरो इस तरह से बनेगा, अगर गैस होगी तो कैसा एरो बनेगा, ऊपर की तरफ, गैस के लिए हम लोग इस तरह का एरो बनाते हैं, जी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और सॉलिड के लिए हमारा क्या है, ये प्रेसिपिटेट के लिए, ठीक है, सॉलिड है और नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बना है। ये AQ क्या है जो लिखा है ब्रैकेट में, AQ मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व होगा तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो सोडियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व है इसलिए इसको सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, इसी तरह से बेरियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, सेम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो रखा है, बट ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो चुका है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक प्रेसिपिटेट है, इसको हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, तो ये सही नहीं है हमारा,
इसमें एटम का एक्सचेंज नहीं होता, आयन का एक्सचेंज होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये, हमने देखा था प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हमारा, और उसी प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, तो इसमें डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का जो होता है वो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। ठीक है, डीकंपोजिशन के बारे में जब तीन रिएक्शन बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट, इन तीनों की मदद से हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा है जब डीकंपोजिशन होगा वाटर का तो मोल रेशियो क्या होगा, किस किस का मोल रेशियो पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो चलिए रिएक्शन से इसको समझते हैं। जब हमने वाटर में H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 प्लस O2 में डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है। अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, दोनों गैसेज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का हमें क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, राइट साइड में भी 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है हमारे पास, 1 ऑक्सीजन है, राइट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, लेफ्ट में 2 हो गया, राइट में भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। बट अभी देख रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। तो ये जो आगे हमारे कोफिशियंट हैं, जैसे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 2 और 1 है, तो ये जो कोफिशियंट होते हैं यही मोल रेशियो को शो करते हैं। तो यहाँ पे मोल रेशियो कितना आ गया, 2:1, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 2:1 यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज मैं आने वाले समय में बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, तो मैं उसके वीडियोस पहले लेके आ जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।